उन्नाव में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कड़े पहरेदारी में हो रही है। 24 केंद्रों पर ये परीक्षा जो है वो हो रही है। सुबह से ही टाइमिंग से 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। इस दौरान सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। केंद्रों पर CCTV की मदद से जो है निगरानी रखी जा रही। सचेत परीक्षा केंद्रों के बाहर उन्नाव पुलिस का कड़ा पहरा है। उन्नाव में आपको बता दें 42,336 परीक्षार्थी पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा देंगे और सुबह की पहली पारी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और उसके बाद जो दूसरी पारी की शुरुआत है वो 3 से 5 बजे होगी और पहली पारी की शुरुआत जो है 10 से 12 बजे तक की है। जी हाँ, पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जाँच के दौरान स्टूडेंटों को अंदर परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जा रही है और परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल की तैनाती भी करी गई है। पुलिस कर्मी सभी परीक्षार्थियों की चेकिंग कर रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या प्रतिबंध को लेकर मेटल डिटेक्टर मशीन से भी चेकिंग की जा रही है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर SP SSP सहित तमाम पुलिस के अधिकारी जो है परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण कर रहे हैं। DM SP सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फ्लाइंग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। साथ ही CCTV की निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों ने बताया कि व्यवस्था के 2 पर कमजोर है। यहाँ पर बैग रखने की व्यवस्था नहीं है, बैगेज काउंटेड नहीं है। लोग काफ़ी दूर से आ रहे हैं और बैग मोबाइल बाहर दूसरी जगह रखना पड़ रहा है। बाकी सब ठीक है और अंदर जाकर पता चलेगा कि एग्जाम के लिए टाइम थोड़ा कम है, लेकिन एग्जाम कैसा होगा तो एग्जाम के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके की तैयारियाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पुलिस भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर ये जो तैयारियाँ हैं वो करी गई है। जो परीक्षार्थी हैं, जो पुलिस भर्ती में होने वाले परीक्षार्थी हैं, वो किस तरीके से यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुँचे उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हैं। हालांकि परीक्षा केंद्रों के बाहर जिस तरीके से खुद जो एग्ज़ाम देने आए हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनके बैग चाहे मोबाइल रखने की कोई सुविधा नहीं है, जिससे कि उनको दिक्कत हो रही, क्योंकि सभी जो परीक्षार्थी उन्नाव में पहुँचे वो दूर दराज से पहुँचे हैं, इसलिए लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन किस तरीके की व्यवस्था है, पुलिस ने किस तरीके के इंतजाम किए हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि जो भी परीक्षा केंद्र है, आपको बता दें कि 42 जगहों पर 24 केंद्र जो हैं 24 केंद्रों पर ये जो परीक्षा है वो हो रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्नाव के अंदर किस तरीके की परीक्षा केंद्रों पर ये जो है उमड़ी हुई जो भीड़ है आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगी हुई। सुबह से ही जो परीक्षार्थी हैं वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा देने के लिए पहुँचे हैं, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। RSO न्यूज़ की ये खबर अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर डेली हंट पर RSO न्यूज़ को देख रहे हैं तो डेली हंट पर भी RSO न्यूज़ को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले मिलती हैं। RSO न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं उन्नाव से मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट RSO न्यूज़ पर। व्यवस्थाएँ हर जगह मजिस्ट्रेट की भी की गई है, पुलिस की भी की गई है और यहाँ पे अभी सब बच्चों की अभी एंट्री करी की जा रही है और पूरा जो प्रॉपर चेक है शासन का आदेश और भर्ती बोर्ड का जो आदेश है उसी अनुसार सभी चेकिंग की जा रही, फिक्सिंग की जा रही है और एंट्री शुरू हो गई है। उसके बाद से अभी थोड़ी देर बाद पेपर बटेंगे, एग्जाम चालू होगा। सब व्यवस्थाएँ जहाँ पर जब जोनल में जिसमें ड्यूटी लगी है सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। द्विवेदी प्रत्येक जी, आप यहाँ पर आए हैं परीक्षा देने, क्या तैयारियाँ यहाँ पर लगेगी, कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर लग रही है, बैगेज काउंटर नहीं है, यहाँ पे बाहर रख के आना पड़ रहा बैग, आदमी दूर से आ रहा है फ़ोन लेके आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बेल्ट तो बैगेज काउंटर होना चाहिए, बस वही दिक्कत लग रही है। बाकी तो ठीक है, अंदर जाकर बात चलेगा क्या है। एग्जाम को लेकर के तैयारी, एग्जाम के लिए तो फुल प्रिपेयर्ड है, टाइम थोड़ा कम था तब भी 1 महीने में जो भी हो पाया तो किया गया। कब से तैयारी कर रहे हैं? 3 महीने से कर रहे फिलहाल। तो अभी आगे की क्या उम्मीद लग रही है आपको? अभी तो फिलहाल जो है इसी फोकस है, बाकी भी और भी परीक्षाएं हैं लाइन से लगी हुई हैं तो उन प्रिपरेशन चल रही है। सरकार से तो चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ाएं, अभी ये जो निकाला है तो लोकसभा चुनाव के चक्कर में निकाल दी उन्होंने, अब ये कंप्लीट होगी नहीं इस पर भी डाउट है अभी कि कैंसिल हो जाए। अभी AMRO का जो है कैंसिल हुआ है, RO का, तो ये रद्द ना हो, ये बहुत सबसे बड़ी बात तो ये है, बाकी तो यही है। बाकी एम्प्लॉयमेंट बहुत कमज़ोर है गवर्नमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, सिर्फ राजनीति रिलीजन पर नहीं होती। विदित चौहान जी, आप यहाँ पर आए हैं, कैसे क्या तैयारियाँ हैं? अब अपने स्तर पे तो तैयारी सभी ठीक ही करते हैं, तो हमें लग रहा है तैयारी तो ठीक ही है। अब
क्या तैयारी आपकी एग्ज़ाम को लेकर के, क्या तैयारी? अब एग्ज़ाम का थोड़ा सा प्रेशर तो हर बच्चा महसूस कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेशर महसूस नहीं करना चाहिए और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। बाकी रिजल्ट क्या आएगा अब ये तो हम तय नहीं कर सकते, बाकी अपनी तो कोशिश है कि एग्ज़ाम अच्छे से हो बस। कितने दिनों से तैयारी? तैयारी करते हुए लगभग एक साल तो हो ही गया है। क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो रखते हैं कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए।